आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना। आज मैं एक ऐसा छोटा सा उपाय बताऊंगा जिसको करने के बाद गाड़ी क्या, बंगला क्या, गहने क्या, सोफे क्या, फ्रिज क्या, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव क्या, दुनिया की जो चीज चाहो आपका घर उन सब चीजों से भर जाएगा। आपको हर वीडियो में कहा हूँ, वापस भी कहता हूँ कि मुझे इन सबको बताने के पीछे कोई लोभ या लाभ नहीं है, क्योंकि मैंने 20 साल में कोई ऐसा पेड कोर्स नहीं किया, कोई ज्योतिष नहीं किया, किसी को बुला के कंसल्टेशन नहीं की कि जिससे मुझे कोई फायदा हो। कोई फोगट में भी मिलने आते हो तो किसी को मिलता नहीं हूँ। कई मैसेज अभी ये सब वीडियो के माध्यम से आ रहे हैं, कई लोगों के मैसेज आते हैं कि कृष्णगिरी आना, दर्शन करना है। आपको निवेदन करता हूँ कि मैं अकेला साधना में रहता हूँ, किसी व्यक्ति को मिलता नहीं हूँ, कोई संपर्क नहीं करता हूँ, 20 साल में किसी से मोबाइल में बात नहीं किया है। ये YouTube वीडियो चैनल वगैरह चला के कोई फायदा उठाने, लोगों को जोड़ने का कुछ नहीं है। आपके जीवन की दुख मेरे साधना के बल से प्राप्त ज्ञान से मिट जाएं, यही एकमात्र उद्देश्य है। कृष्णगिरी की तरफ आओ तो बगैर कोई अनुमति मत आना, क्योंकि आओगे तो फिर पछताओगे कि भाई गुरुदेव नहीं मिले, इसलिए आप इस तरफ आना मत। मैं ये जो भीड़ बढ़ाने या लोगों को इकट्ठा करने या कोई माल मिलकत इकट्ठा करने, 20 साल में कभी मैंने मेरे साबुन कपड़े के लिए भी किसी से हाथ नहीं मांडा है। इतना बड़ा तीर्थ हमने जो बनाया है, भक्तों ने स्वयं जो पत्थर दिए, जो जो वस्तु दिए, उनसे बना है ये तीर्थ। मैंने हाथ मांड के अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा है, इसलिए किसी को मिलने की इच्छा नहीं है। मोबाइल में कई लोग पूछते हैं कि मोबाइल में गुरुदेव से बात हो सकती है क्या, 20 साल में मोबाइल को यूज़ नहीं किया है। ये घड़ी घड़ी कहने का यही एक कारण है, मैंने एक वीडियो में कह दिया, लेकिन कई व्यूअर्स ऐसे हैं जो कई नए नए वीडियो देखते हैं, पुराने देखे हुए नहीं होते हैं, और एक वीडियो देख के पीछे जो फ़ोन नंबर दिया है उसमें कॉल करने लगते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि फ़ोन नंबर के पास लिखा हुआ है कि कॉल या मैसेज ना करें, गुरुदेव किसी से बात नहीं करते। आपको गुरुदेव के निःशुल्क आशीर्वाद कार्यक्रम को जानना हो, समझना हो, तो जुड़ने के लिए इस नंबर का उपयोग करें, सिर्फ आगामी कार्यक्रम को जानने के लिए, क्योंकि मैं पर्सनली किसी को मिलता नहीं, कोई कंसल्टेशन वगैरह करता नहीं, लेकिन जब मेरे को अच्छा लगता है कि भाई दुनिया के लिए कुछ करूं, तो बाहर निकल के कोई बड़े पैमाने पर एक मंत्र आशीर्वाद का कार्यक्रम करता हूं, जिस कार्यक्रम से कई बीमार लोग, दुखी लोग उसी कार्यक्रम में 3 घंटे में ठीक होके जाते हैं, वो एक मैं जरूर करता हूं। ये पूरा जो भी वीडियो भेज रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं, तो ये YouTube चला के कोई बड़ा सा कोई लाभ पाने का कोई लक्ष्य नहीं है, मात्र हमारा ज्ञान दुनिया में जाए। जो चीज़ों को मेरे बचपन में मैंने देख के दुख सहन किया, वो दुख किसी को सहन नहीं करना पड़े। ये वीडियो बड़ा हो जाता दुनिया भर की बात करूँ तो, क्योंकि मेरी माँ जो मुझे जन्म दी, वो बचपन से दिमाग, मैं जब छोटा था तब से उनकी दिमागी हालत ख़राब थी। मेरे पिताजी के दोनों कान नहीं सुनते थे, पैर उनका एक एक्सीडेंट में चले गया, उनका आंख नहीं दिखता था मेरे पिताजी का, और मेरी एक बहन को, बड़ी बहन को, वो किसी कारण से जहाँ ससुराल में शादी करके दिए वहाँ कुछ तकलीफ हुआ तो वो किसी दुख से मर गई। उसको देख के एक बहन मेरी पागल होके मर गई, और एक भाई मेरा जिसको किसी कारण से ससुराल गया था वहाँ रहस्यमय उसकी मौत हो गई। बचपन में मैंने इतने दुख देखे, और उस दुख से उभर के जब मैं साधु बना, मुझे लगा कि संसार में कुछ नहीं है, लेकिन जिन जिन कारणों से मैं दुख भोगा, साधु बन के भी मैंने सोचा कि ये दुख संसार में किसी को नहीं आना चाहिए, ये संसार सुखी हो। मैं वहाँ से हिमालय गया और विंध्याचल काशी गया, करीब 15 से 19 वर्ष तक मैंने ऐसी साधनाएँ की जिससे विभिन्न सिद्धियाँ, चमत्कारिक दिव्य ताकत और देव दर्शन पाए, और वो सब मैंने निश्चित करके भूलोक वासियों के कल्याण के लिए लगाने की संकल्पना की। कोई सोचें कि भाई ये वीडियो करके, ये करके दुनिया जोड़ेगा, लोग जोड़ेगा, अरे यहाँ आने वालों को ही धक्का मार के भगाता हूँ कि मुझे दर्शन नहीं देना है। मेरा स्वभाव सटीक है, जीवन सटीक है, किसी को हाथ मांड के कुछ लेना नहीं है। किसी ने कहा कि भाई ये YouTube डाल रहे हो तो किसी से नहीं मांगो तो भी इसमें ऐड चलेगा,
तो पैसा आएगा, तो आप जो भंडारा करते हैं विंध्याचल वगैरह में उसमें काम आएगा। तो मैंने सोचा कम से कम मांगना नहीं पड़े, लेकिन फोकट में आ रहा है उसको क्यों छोड़े। तो हमने इसमें ऐड इसलिए डलवाए कि जो पैसा बिन मांगे आ रहे हैं, विंध्याचल में मेरा एक स्थान है जहाँ वर्ष में कई महीना रह के एकांत साधना करता हूँ, हर वर्ष वहाँ भंडारा करते हैं, उस भंडारे में ये सभी जो भी पैसा आ रही उसको भंडारे में गरीबों के लिए काम लिया जाए, ऐसा सोच के मैंने भी मान लिया। बाकी संतों को तो संत जैसे रहने से ही मजा है, सभी स्त्री जिसको मातृवत दिखती है, पैसा एक तृणवत दिखता हो वो ही संत है। बाकी इस धर्म का संत न, उस धर्म का संत न, ये धर्म बड़ा न वो धर्म बड़ा, ये मैं कुछ नहीं मानता। मैं मानता हूँ जो कंचन कामिनी से दूर हो चुका है और अपने में मस्त है वही संत है। तो अब मैं आपको, मैं तो संसार छोड़ दिया हूँ, देखो आपको घर भरने की ताकत दे रहा हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी साधना के बल इन विषयों में छुपा हुआ। मैं कोई ऐसा YouTube चैनल नहीं चला रहा हूँ जो लोग चला रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये कर लो हो जाएगा, वो कर लो हो जाएगा। उनका ये विचार है कि ऐसे सब बताने से लोग जुड़ेंगे तो हमारा धंधा चलेगा, हम उनसे बाद में पर्सनली कंसल्टेशन करेंगे, दो रुपया आएगा। उनको दो रुपया आने की, दो रुपया लेने की इच्छा है, इसलिए वो सब ये मेहनत करके आकर्षित कर रहे हैं। मैं आपका घर भरने की जो अभी उपाय बता रहा हूँ, मैंने अपना घर और संसार छोड़ के ये उपाय बताया, जो अपने लिए सब छोड़ चुका है वो दूसरों को घर भरने की ताकत जरूर दे सकता है, ये आप समझ सकें। इसीलिए आपको ये बात कह रहा हूँ कि दुनिया भर के जो चैनलों में लोग बता रहे हैं, तो उनको आपका भी कल्याण का भावना है, खुद का भी कल्याण का भावना, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप इसको देखो और दूसरे लोगों को भी भेजो, दुनिया भर के लोगों को, वो भी समझ पाएं, वो भी आगे बढ़ें, मेरी ताकत और सिद्धियां आपका काम आएं, इसके सिवाय वो कोई प्रयोजन नहीं है। ना मैं आपको बताए जैसे कोई कहीं आप पहुंच भी जाओ तो मिलने वाला हूं, ना कोई फोन में बात करने वाला हूं, मैं अपने में मस्त रहने वाला हूं। ये उपाय तो भारत समृद्ध बन जाए, आप समृद्ध बन जाए। मैंने जो दुखों को देखा जीवन में बचपन में, उसके बाद मैं वहां पहुंचा जहां आज मैं लाखों घरों में जब मैं मंत्र बोलता हूं तो टीवी के सामने भी पैसे बरसें, ऐसी शक्ति उनको भी देता हूं। तो ऐसी कृपा देने वाली शक्ति आज आपको दे रहा हूं, बहुत सरल उपाय है, कुछ नहीं है। आपके घर में कुल देवी हो या आपके कोई देवी देवता की पूजा होती हो, आप कोई पूजा दीपक रोज करने वाले हो तो ये कार्य सफल होने वाला है, उसके अलावा ये कार्य सफल नहीं होगा। आप बोलो कि मैं किसी को मानता ही नहीं हूं और मुझे सब आशीर्वाद चाहिए, मानने वालों को ही आशीर्वाद है, बिना माने तो कुछ आशीर्वाद ही नहीं है, ना कोई लेना देना ही नहीं है। आपको अपनी कुल देवी हो तो सबसे बढ़िया, या कुल देवता हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो कम से कम कोई इष्ट देवता जिनका रोज घर में एक बार तो भी दीपक और धूप होता हो वो ही ये कर्म करें। आपके घर में कोई दीपक धूप रोज होता हो तो एक आप पीला कागज किसी दुकान से एक पीला कागज खरीदें, उस पीले कागज में 4 2 1 7 0 लिखें, आपको लिखना है उस पीले कागज में लाल रंग के स्याही से 4। आप, मैं तो मेरे हाथ में जो पेन मिला उससे लिख रहा हूं, आपको तो आपको 4 2 1 7 0 ये लिखना है सिर्फ, वो छोटा सा कागज जो आप जितना छोटा लिखना चाहते हो, देखो इतना साइज में भी लिखो बड़ा भी लिखो, क्योंकि आपको जो लिखना है उस कागज को आप शुक्रवार के दिन पंचांग में एक बार देख लें कि शुक्र होरा कितने बजे हैं। आपको बता दूं कि सूर्योदय से 12 मिनट तक सूर्योदय से 12 मिनट तक शुक्र होरा और शुक्र का उपहोरा होता है, वैसे सूर्योदय से 1 घंटे तक शुक्र होरा होता है। आपके गांव में सूर्योदय कितनी बजे हो रही है वो देख लो शुक्रवार को, वहां से 1 घंटा शुक्र हो रही है, और शुक्रवार में शुक्र होरे में इस कागज को कुल देवी को जहां बैठाए हो उसके नीचे सेलोफन टेप से चेप दें या गम लगा के चेप दें, लाल स्याही से लिखा हुआ होना चाहिए, ये नंबर लाल स्याही से लिखा होना चाहिए। इससे क्या होगा गुरुदेव, ये नंबर लिखने से, अरे ये नंबर है मनचाही वस्तु को प्राप्त करने के लिए देवों को जगाने का नंबर, तुरंत ये नंबर जा उधर चेपोगे, फिर धूप दीप करते ही देवताओं को वंदन करते ही आप जो चीज चाहते हो, गाड़ी चाहते हो, गहना चाहते हो, अच्छे कपड़े चाहते हो,
फ्रिज चाहते हो, वॉशिंग मशीन चाहते हो, नया घर चाहते हो, खुद का मकान चाहते हो, मुझे ये चाहिए, ऐसे वहां 3 बार प्रार्थना करना चाहिए। सुबह शाम करो तो बहुत बढ़िया है, सिर्फ 3 बार कहना। जिस चीज को आप चाहते हो उसको ही एक ही बार हरदम कहना, वो चीज आने के बाद ही दूसरी चीज की इच्छा रखना। एक चीज आज बोलो कि सोफा डाइनिंग टेबल चाहिए, कल बोलो कि कुर्सी चाहिए, परसों बोलो कि फ्रिज चाहिए, फिर तो सब भाड़े का आएगा, असली एक भी नहीं आएगा। एक ही वस्तु बोलोगे, वो वस्तु आने के बाद ही दूसरी मांग करनी। चमत्कारिक रूप से हर वस्तु घर में आएगा, हर वस्तु घर भर जाएगा, आप ऐसे समृद्ध हो जाओगे। भले ही मैं मिलूं नहीं मिलूं, भले ही मैं आपको देखूं नहीं देखूं, फोन में बात करूं नहीं करूं, मेरा आशीर्वाद और प्रेम आपके लिए सदा है। क्योंकि मिलना जुलना करके कमर्शियल कॉन्टेक्ट बनाने से अच्छा है मैं कहीं भी एकांत में रहूं और आप अपनी जगह रहें, लेकिन मेरा आशीर्वाद आपके जीवन का कल्याण करता रहें। मैं तो ये चाहता हूं कि ये सबसे बढ़िया, क्योंकि सच्चे संतों का जो आजकल उपस्थिति बहुत कम होते जा रहा है, जो हैं वो पुण्यशाली सच्चे संतों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, जो विभिन्न क्षेत्रों में विराज रहे हैं, ऐसे संतों को वंदन है। और आप भी इस उपाय को 42170 कुलदेवी के चरण में या इष्ट देवता के चरण में रखो, पहले पुष्प धूप दीप सब करके इस नंबर को देख के फिर जो चीज चाहते हो, हे देवता मुझे ये चाहिए, ऐसे बोल के उस नंबर को देखो। इस कागज की कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है, और जब भी आप सुबह शाम धूप दीप करते हो तभी ये नंबर देख लें तो अच्छा है। बहुत जल्दी चाहते हो आप तो ऑफिस में भी लिख के रखे ये नंबर को, देखते खाली टाइम में भी देखते रह सकते हैं, लेकिन इष्ट देवता के चरण में ये नंबर रहना जरूरी है, पूजा के समय उसको देखना जरूरी है। जिसको चीज चाहिए वो ही पूजा करें और देखें, क्योंकि एक घर में ज्यादातर स्त्रियां पूजा करती है, और पुरुष को कोई चीज चाहिए तो पूजा उसी को करके वो चीज मांगनी चाहिए। चीज जिसको चाहिए वो उस देवता की पूजा करके इस नंबर को देख के चीज मांगे। ये नंबर देव शक्ति को जागृत करके विभिन्न समृद्धि को अपने आप लाने वाला चमत्कारिक नंबर है, और ये नंबर से घर आनंद आनंद मंगल मंगल कल्याण कल्याणकारी बने और आप सब मंगलकारी बनो। यही प्रार्थना के साथ आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना।